जैसे जैसे सिंगापुर में होने वाली शिखर वार्ता का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे सबकी उत्सुकता बढ़ रही है कि ट्रंप और किम की मुलाकात कितनी सफल होगी। अब इस बीच डेमोक्रेटिक पार्टी को डर सता रहा है कि कहीं इस मुलाकात में ट्रंप ऐसा कोई समझौता ना कर बैठे जिससे उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार रखने की आज़ादी मिल जाए। इसलिए डेमोक्रेटिक पार्टी ने ट्रंप को एक पत्र लिखा है और कहा है कि वो इस तरह का समझौता उत्तर कोरिया से ना करे। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की मुलाकात से पहले विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के शीर्ष सीनेटरों ने ट्रंप को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने ट्रंप से अपील की है कि इस मुलाकात में वो कोई ऐसा समझौता ना करें कि उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार रखने की छूट मिल जाए। डेमोक्रेटिक सीनेटर चक श्यूमर और राष्ट्रीय सुरक्षा समितियों के रैंकिंग डेमोक्रेट्स ने अमेरिका से उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रतिबंधों को बनाए रखने या कठोर करने की भी अपील की है। आपको बता दें कि इससे पहले फरवरी में ही अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर अब तक के सबसे बड़े प्रतिबंध लगाए थे। साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो अमेरिका ने उत्तर कोरिया के खिलाफ अधिकतम दबाव का अभियान चलाया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।